हम लोग हैं अभी चोलीधार में ताराकुंड पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से केदार घाटी के द्वारा चक्रव्यूह कमल व्यूह मंचन यहां पर किया जा रहा है। तो ये हमारा यहां पर मंच तैयार हो रहा है चक्रव्यूह, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी महाभारत कुरुक्षेत्र में। तो ये गुप्तकाशी की टीम है केदार घाटी। आचार्य कृष्णानंद नोटियाल और केदार घाटी मंडल सांस्कृतिक ग्रुप गुप्तकाशी का मैं अध्यक्ष हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। धन्यवाद जी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी हूँ जी, चार सरकारी सेवा में था और लगातार ये कार्य करता है। ये चक्रव्यूह का लेखन मैंने 1994-95 में किया जी, और इसका पहला मंचन 25 फरवरी 1995 को परेड ग्राउंड देहरादून में हुआ था। और इसके जो मंचन करने वाली पहली टीम थी वो थी रुद्रप्रयाग जनपद में कंडारा गांव है, कंडारा गढ़ी जिसे कहते हैं, वहाँ के ख्याति नाम कलाकार हुए जहाँ परंपरागत रूप से चक्रव्यूह होता ही है। हाँ जी। उन लोगों ने पहला मंचन इसका किया था गढ़वाली में जी जी। और आज उसमें से कई लोग स्वर्गीय भी हो गए जी। हमने पिछले वर्ष 2019 में जब कोविड उसके बाद शुरू हुआ तो उन लोगों को पुरस्कृत भी किया और कई लोगों को मरणोपरांत करना पड़ा। और ये समझ लीजिए उस समय छोटा बच्चा जो अभिमन्यु 16 साल की उम्र का जो था वो आज इंटर कॉलेज से प्रधानाचार्य रिटायर्ड हो गया जी जी। तो ये चक्रव्यूह महाभारत के 13वें दिन का युद्ध है जी। और 13वें दिन में 12 दिन तक लगातार युद्ध होने के बाद जब पांडुधन का एक भी योद्धा नहीं मिला तो दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आप तो दुर्योधन आए, आप ज्ञाता होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा आज एक योद्धा जरूर बनाए। असल में उन्होंने अर्जुन को फंसाने के लिए इसको बनाया, लेकिन अर्जुन के साथ क्योंकि यत्र योगी स्वरूप कृष्ण हो यत्रपात हो श्री कृष्ण जी उनको वायु मार्ग में ले गए संसप्तकों के साथ। आप बताइए हमारा विज्ञान युद्ध विज्ञान कितना एडवांस था, तो संसप्तक वायु मार्ग में युद्ध करते थे। तो अर्जुन को कृष्ण जी मार लेंगे और यहाँ खाली छूट गया। अब यहाँ कौन जाए, अगर नहीं जाते हैं तो हार मान होते हैं और जाते हैं तो किसी को आता ही नहीं है, चक्रव्यूह का अंदर घुसना जरूरी है। तब अभिमन्यु को भेजा जाता है। अभिमन्यु कहता है मैं जाता हूँ, मैंने माँ के गर्भ से सुना है, मैं जाता हूँ। अभिमन्यु जाता है तो पहले द्वार दूसरे द्वार इस तरह से 7वें द्वार तक पहुँचा, वहाँ खलबली मच जाती है। तब वो छलकपट से अभिमन्यु को मार लेते हैं। अब मारने की तो कोई बात नहीं, अर्जुन को कोई परेशानी नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वीर को वीर गति प्राप्त होनी है। पर उन्हें क्रोध तब आया जब पहले द्वार से लेकर के और 7वें द्वार पे जयद्रथ पहुंचा सिंधराज और उसने उस मरे हुए अभिमन्यु की लाश पर गर्दन पर लाश का प्रहार किया। उन्हें लगा कि ये वीर की बेइज्जती हो गई। तो वीर की बेइज्जती सुनी अर्जुन थत रह गए, उसको बहुत बुरा लगा कि ये क्यों इसने ऐसा किया है। तो तब वो प्रतिज्ञा करता है कि भोदो सूरज अस्त होने तक मैं ते को संघार को लूँ, नेत्र अग्नि चिता जगह को खुद ही अपलो विलास। तो दूसरे दिन 14वें दिन में फिर जयद्रथ बात होता है, उसमें कमल व्यूह है और वो कमल व्यूह महाभारत काल का सबसे ही बड़ा व्यूह है। एक ही दिन में कोई भी महारथी उसको नहीं तोड़ सकता। ये चक्रव्यूह है, ये चक्रव्यूह द्वापर युग के अवसान पर पांडवों के महाविनाशकारी युद्धों का अगर संरक्षण किया विसर्जन किया तो हम उत्तराखंड के लोगों ने किया। जब पांडवों पर यह आफत आ गई अर्जुन के पास, मैं अपने गांडीव को कहां रखूंगा, भीम की प्रचंड गदा कहां जाएगी, युधिष्ठिर का भाला कहां जाएगा, ये सारी चीजें पांडवों ने हम उत्तराखंड वासियों से कहा क्या ही अच्छा होता आप ये हथियार आप लोग रख लेते। अब तो हम स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं, अब हम वैराग्य भूमि की ओर जा रहे हैं। तो हमारे उत्तराखंड के लोगों ने जो आतिथ्य कल रथान जी ने हमको दिया, शायद इससे भी कई पढ़कर आतिथ्य उसमें लोगों ने पांडवों को दिया होगा। पांडव लोगों पर प्रसन्न होकर के हमारे लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम आपके हथियारों को पूजा की वस्तु बनाएंगे। और वो शर्त आज भी उजागर हो रही है। उन्होंने पांडवों से हमारे बुजुर्गों ने शर्त की थी कि जब जब यूंध की लंबी रातों में जाड़ों की लंबी रातों में हम आपका आह्वान करेंगे, आपका मंडाण लगाएंगे, आपके जागर लगाएंगे, तो आपको मानव रथ के ऊपर अवतरित होकर के पशुआ के ऊपर अवतरित होकर के हमारे बीच आना होगा और वो आज तक चल रहा है। तालियां चाहूंगा जी बिल्कुल। आज उसी विधा को लेकर के हमारे लोगों ने उनसे पूछा खेल खेल में कि आपके गुरु जी ने आपको ये व्यूह कलाएं कैसे सिखाई थी। तो अर्जुन ने खेल खेल में हमारे लोगों को सिखाया ऐसे बनाते थे चक्रव्यूह, ऐसे बनाते थे कमल व्यूह, ऐसे बनाते थे मकर व्यूह। तब जहाँ ये कसारियां खड़ी हैं वहां सेनाएं खड़ी होती थी। चक्रव्यूह सब की गिद्वनि पर धाया घूमता था
और रणभेरी की धुन पे पाए घूमता था। चक्कर घिन्नी हो जाता है आदमी वहां अंदर, भूल जाता था कि मैं किस रास्ते से अंदर आया। और आज वही चक्रव्यूह हमने आप लोगों के सामने बनाया है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके खेत में, जिसके स्थान पर और जिन इलाके में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सारे लोग धन्य है जहां आज चक्रव्यूह का निर्माण हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण होगा, पांडव देवताओं का पदार्पण होगा और एक शानदार जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, उसका एक अंश यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। एक बात कहना चाहूंगा, ये YouTube में कोई न डाले क्योंकि ये कॉपीराइट है और कॉपीराइट पर आप क्लिप डाल सकते हैं लेकिन पूरी स्टोरी आप डालेंगे तो कॉपीराइट पर आपका क्लोज हो जाएगा। ये केदारघाटी मन्नार की संपत्ति है और केदारघाटी मन्नार की ये संपत्ति रहेगी। निवेदन के साथ कह रहा हूँ यूट्यूब में न डाले। तो आइए प्रस्तुत है चक्रव्यूह, देखिए चक्रव्यूह। Thank you.
Hey,
धर्म के हारी हो चुकी ले वो जनो धरती से भय पाप दूर हुआ पापी बिन धर्म छोड़ा है अर्जुन छोड़ा अर्जुन है सखा दर्शन अवतार
Check it out.